हाय गाइस, हम लोग कुछ कैरेक्टर फंक्शन के बारे में अब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रीम फंक्शन, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टर फंक्शंस के बारे में, जो कि एक कैरेक्टर के लिए फंक्शन करेगा। ठीक है, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कैरेक्टर फंक्शन में वो ये है कि हमें एक नया हेडर फाइल यूज़ करना पड़ेगा इस इन फंक्शंस को रन करने के लिए, जो कि है सी टाइप डॉट एच। यानी कि जब भी आप कैरेक्टर फंक्शंस जो मैं अभी बताने वाला हूँ या फिर मैं जो अभी आगे बताऊँगा, जो जो भी कैरेक्टर फंक्शन होंगे उसको रन करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी इस इंक्लूड सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल की। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कैरेक्टर फंक्शन का आई एस अल्फा फंक्शन के साथ। आई एस अल्फा फंक्शन क्या करता है, ये टेस्ट करता है कैरेक्टर को कि ये अल्फ़ाबेट है या नंबर है। अगर अल्फ़ाबेट है तो ट्रू है, अगर नंबर है तो फॉल्स है। ठीक है, ये टेस्ट करता है सिर्फ कंडीशन को कि ये नंबर है या अल्फ़ाबेट है। ओके, अल्फ़ाबेट मीन्स लोअर केस भी हो सकता है और अपर केस भी हो सकता है, लेकिन अल्फ़ाबेट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ मैंने इस कंडीशन को चेक करने के लिए छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। कोड आप लोगों की समझ में आ जाएगा कि हम लोग सब कुछ पढ़े, आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, चार डाटा टाइप मैंने लिया है, सी एच वेरिएबल मैंने असाइन किया है। यहाँ मैं यूज़र से इनपुट लूँगा इंटर एनी कैरेक्टर जो स्टोर होगा सी एच में। ठीक है, और मैं कंडीशन चेक करूँगा आई एस अल्फा फंक्शन के थ्रू जो भी सी एच में स्टोर हुआ होगा वह, अगर अगर ये एक अल्फ़ाबेट है, क्योंकि आई एस अल्फा तभी रन करता है जब वह अल्फ़ाबेट हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। अगर ये ट्रू होगा तो ये बताएगा हमें क्या, ये वैलिड कैरेक्टर है। और अगर ये अल्फ़ाबेट नहीं है, कोई नंबर है या फिर कोई और अदर सिंबल्स हैं, तो ये एल्स पार्ट में चला जाएगा और एल्स पार्ट में क्या प्रिंट होगा, हमारा इनवैलिड कैरेक्टर। चलिए इसको हम लोग रन करके देखते हैं। ये मैंने रन किया, मैं यहाँ लिखने वाला हूँ कैपिटल ए। ओके, कैपिटल ए लिखा मैंने, प्रेस इंटर, वैलिड कैरेक्टर। ठीक है, एक बार और रन करूँगा और यहाँ मैं अभी स्मॉल ए लिखूँगा और इसको मैं प्रेस इंटर करता हूँ, वैलिड कैरेक्टर, अभी भी वैलिड कैरेक्टर है। यानी कैपिटल स्मॉल मैंने चेक कर लिया। अब मैं नंबर चेक करूँगा, टू नंबर मैंने लिखा हुआ है, ये मुझे बताया इनवैलिड कैरेक्टर। ठीक है, ये ठीक है। अब अगर मैं कोई सैम्बल लेता हूँ तो देखता हूँ कि क्या होता है। इसमें मैंने हैज़ दिया तो इसका भी ये इनवैलिड कैरेक्टर बताया, यानी कि आई एस अल्फ़ा ट्रू होता है जब उसमें कोई अल्फ़ाबेट हो। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा आई एस अल्फा फंक्शन। आगे हम कुछ और फंक्शंस पढ़ेंगे जो कि कैरेक्टर फंक्शंस होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।